हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पीजीटी ओडिशा का जो सिलेबस है उसमें यूके, यूएसए और इंडिया, इनके एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करने की बात की गई है। ठीक है, सो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ना, देखो दो चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारी एक तो 2020 की पॉलिसी आ चुकी है, उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कम्पीट कर पाएंगे यूएसए और यूके के एजुकेशन सिस्टम से। लेकिन अगर हम इंडिया के पहले की बात करेंगे, मतलब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, तब चीजें गड़बड़ा जाएंगी, तब बहुत पीछे हम आप लोग, मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी पीछे नजर आएगा, जिसमें क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, सिर्फ रटिफिकेशन पे फोकस ज्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस है। सो वो सारी चीजें एनईपी 2020 से पहले की बातें हैं। बट चूंकि अब एनईपी 2020 आ चुकी है, सो जो चीजें, जो मैंने एनईपी 2020 आपको पढ़ा रखी है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे रिलेटेड जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स है हमारे चार तरीके के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो जो चीजें मैंने एनईपी 2020 से रिलेटेड करवा रखी हैं आपको, आप वही मान के चलिए इंडिया के बारे में, उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो हम स्कूल लेवल की बात करें तो 5+3+3+4 के सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो मैं डिटेल में दोबारा से नहीं करवाऊंगी, बिकॉज टाइम वैसे भी कम है और मैंने ऑलरेडी करवा रखी है चीजें। ओके, हम आज यूके के इस लेक्चर में यूके के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में यूएसए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। उस कंपैरिजन में मैं कहीं ना कहीं आपको इंडिया का जो रेफरेंस है वो भी दे दूंगी, बता दूंगी, बट मेजरली हम यूएस और यूके के ही जो है एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे, बिकॉज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक हमें कंपैरिजन में लाना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ आ जाए। सो एनईपी 2020 से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता हो, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए है, फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, ठीक है, टीचर एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन के लिए तो अभी तक आया ही नहीं है नया करिकुलम फ्रेमवर्क। सो वो सारी चीजें अभी पूरी नहीं है, पेंडिंग है, तो हम इसको कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी, सो यूके में एजुकेशन सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके की चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है। ओके, अगर हम यूके की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहां पे ना तीन चीजें आ जाती हैं, एक ब्रिटेन ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है, और आयरलैंड, और एक ब्रिटेन, एक आयरलैंड एंड देन स्कॉटलैंड। हाँ, ये तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ब्रिटेन जो है उसमें कंपलसरी है 5 से लेके 16 तक, और यही 5 की जो एज है बच्चे की, ये 4 साल है जब हम नदन आयरलैंड की बात करेंगे। ठीक है जी, इन तीनों को मिला के ओवरऑल जो है वो यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ओवर 90 पे, जैसे हमारे है ना 6 to 14 की एज वाला जो कंपल्सरी एजुकेशन, यहाँ पे है 5 to 16। ओके, ओवर 90% ऑफ ऑल स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्टेट स्कूल्स में जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, यानी 16 साल की एजुकेशन तक बिल्कुल फ्री है, आप जिस भी स्कूल में जाएंगे, और यूजुअली यहाँ पे आसपास के जो लोकल स्कूल्स हैं वहीं पे एडमिशन दिलवाया जाता है। इट्स लाइक हमारे इंडिया में क्या होता है, मान लो मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं दिल्ली में जाके स्कूल जो है अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आप जहाँ रहते हैं उसी के आसपास, मतलब आपके रेजिडेंट के आसपास, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिल्ली में रहते हैं और बच्चों को कुरुक्षेत्र भेज दें। ठीक है, सो वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपको आसपास, क्योंकि सभी जो स्टेट स्कूल्स हैं उन्हीं को अच्छा माना जाता है, और स्टेट स्कूल्स में ही 90% से ज्यादा बच्चे जाते हैं, और क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है एजुकेशन। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे तो वो वहां पर भी महंगी ही है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो बहुत सारे मोस्टली जो 90% से ज्यादा बच्चे हैं वो स्टेट स्कूल्स में जाएंगे। स्टेट स्कूल्स के अलावा ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहां पेरेंट्स को फीस पे करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, प्राइवेट स्कूल्स को जो है पब्लिक स्कूल बोला जाता है वहां पे। ओके, विच आर सेकेंडरी स्कूल्स फॉर बॉयज फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स, या प्रिपरेटरी स्कूल्स बोला जाता है, विच आर प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स प्रिपेयरिंग प्यूपल्स फॉर पब्लिक स्कूल्स। ओके, सो पॉइंट ये है कि हाँ, बहुत बार प्राइवेट स्कूल्स को वहां पब्लिक स्कूल और बाकी को जो है स्टेट स्कूल बोला हुआ दिखाया जाएगा।
अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, फर्दर एजुकेशन है, इसको टेक्निकल एजुकेशन भी हम बोल सकते हैं, और हायर एजुकेशन है। तो ये चार पार्ट में ये एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करते हैं। इनका जो नेशनल करिकुलम है उसमें की स्टेजेस डिफाइन है। जैसे हमारे नेशनल करिकुलम जो स्कूल लेवल का है, अब 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, यहाँ पर की स्टेजेस हैं कि की स्टेज 1, की स्टेज 2, 3, 4 एंड 5। हमारे क्या है कि फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है, मिडिल स्टेज है, और उसके बाद ये हमारे पास, अच्छा ये एक सेकेंड, ये ठीक है मैंने ठीक बोला, एंड फोर्थ जो है फिर हमारी सेकेंडरी स्टेज है, जिस अब हमने सीनियर सेकेंडरी वर्ड ही हटा दिया अपने करिकुलम से, राइट। सो इंडिया में ये अलग चीजें, जबकि यूके में क्या है कि 5 स्टेजेस होंगी, जिसमें एज के बेसिस पे कि 5 से 7 साल का बच्चा जो है वो पहली स्टेज में एग्जिस्ट करेगा, 7 से 11 साल बच्चे की स्टेज 2, और 11 से 14 थर्ड, 14 से 16 और 17 से 18 साल के जो है वो स्टेज 5 में आ जाएंगी। यूजुअली हो सकता है आपको कई जगह पे 4 स्टेजेस भी नजर आ जाएं, ओके? स्कूल अगर हम बात करेंगे तो 3 लेवल पे डिवाइड, 3 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। नर्सरी की अगर बात करें तो जैसे हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर है वैसे इनकी नर्सरी है। नर्सरी जो है वो 3 साल पे शुरू हो जाती है। अब इनफ स्टेट नर्सरी स्कूल्स नहीं है या किंडरगार्टन स्कूल्स नहीं है ब्रिटेन में, इसके लिए बहुत बार कैंपेनिंग भी चलती रहती है, ठीक है। प्राइवेट नर्सरीज बहुत सारी होती है लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है और बहुत सारी फैमिलीज उनको अफोर्ड नहीं कर सकती। नर्सरी स्कूल सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक शाम को होते हैं, ये लंच स्कूल में ही मिलता है और बच्चे को रेस्ट करने का टाइम भी आफ्टरनून में वहीं पर मिलता है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांस, सिंगिंग, डू, मतलब वही जो छोटे बच्चे करते हैं ना, वही वाली चीजें यहाँ पर होती हैं। अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल में एक इन्फेंट स्कूल होते हैं और एक जूनियर स्कूल्स होते हैं, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और 5 साल की एज पे जो है वो बाय लॉ आप जो है क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं प्रॉपर स्कूलिंग बच्चे की। तभी हमने की स्टेज 1 में भी जो है 5 से 7 साल की बात की है, उससे पहले की बात नहीं की है, ओके। इन्फेंट स्कूल जो है इज फ्रॉम 5 to 7 years, जूनियर स्कूल 7 से 11 भी बोल देते हैं। यहाँ पे 9 से 3:30 की टाइमिंग रहती है। यूजुअली इन्फेंट स्कूल्स जो है उनके अपनी अलग बिल्डिंग होती है, जूनियर स्कूल की अपनी अलग बिल्डिंग और प्लेग्राउंड होता है। यहाँ पे यूजुअली 35 चिल्ड्रन जो है वो एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं इन्फेंट स्कूल में, एज वेल एज एक टीचर रहेगा और उसके साथ साथ टीचर का असिस्टेंट भी रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली टीचर की असिस्टेंट वहां रहेगी, टीचर का असिस्टेंट नहीं, वहां पे एक टीचर्स असिस्टेंट जो है वो देखने को मिलेगी स्कूल में। यूजुअली जो मदर्स हैं या फिर ओकेजनली फादर जो हैं वो भी इन्फेंट स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बच्चों की हेल्प करते हैं पेंटिंग, रीडिंग या प्रैक्टिकल लेसन्स में। पूरे साल तक जो है बच्चे का एक ही टीचर रहता है और वही सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता है, ओके। परहैप्स अनदर टीचर हैज देम वंस अ वीक फॉर म्यूजिक एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो फिजिकल एजुकेशन के लिए और म्यूजिक के लिए अलग वीक में कोई एक और टीचर अलग से आ सकता है, बाकी सारी चीजें एक जो कॉमन टीचर है सेम टीचर ही पढ़ाएगा। क्लासरूम जो है वो ब्राइट और चीयरफुल विद चिल्ड्रंस वर्क डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स एंड बुक्स। तो वो ये है कि आसपास जो है बच्चे की जो क्रिएटिविटी बच्चे करके लाते हैं एक्टिविटीज के दौरान उनको पेस्ट कर दिया जाता है। सो एक ब्राइट और चीयरफुल एनवायरनमेंट आपको दिखेगा। चिल्ड्रन यूजुअली सिट इन ग्रुप्स एट टेबल और हैव उनके अपने अपने ड्रॉअर्स होते हैं अपना काम रखने के लिए। चिल्ड्रन जो है वो टेस्ट उनका होगा एक 7 साल के होंगे, जब वो एक 11 साल के होंगे और एक 14 साल के होंगे, उसके बीच में उनकी पढ़ाई चलती रहेगी। कुछ एक बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, कुछ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। सो वहां पे ऑप्शंस ज्यादा हैं सब्जेक्ट्स में कि आप जितना चाहे पढ़, इट्स अप टू यू आपकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। सो इंग्लिश, मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजियस नॉलेज, इस तरीके की चीजें वहां पर पढ़ाई जाती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें सो प्रोजेक्ट वर्क और टॉपिक वर्क के थ्रू यानी लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू चीजें सिखाई जाती हैं। दे ऑल्सो लर्न अबाउट जो एनवायरमेंट है या जो आर्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, उन सब के बारे में भी चीजें सिखाई जाती हैं। सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो बच्चे जो है 11 साल के होंगे तब सेकेंडरी स्कूल में भेज दिए जाते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन टेक्स फ्रॉम 5 to 7 years, 5 से 7 साल, वही है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। 8% ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन गोज टू प्राइवेट स्कूल्स, जिनको हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं। अनदर 4% जो है वो जाते ही नहीं है स्कूल। बाय लॉ पेरेंट्स जो है उनका राइट है कि वो बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, और जो बचे हुए और बच्चे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स में भी जाते हैं। सो कोई वो वोकेशनल स्कूल यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे, देयर आर नो वोकेशनल स्कूल्स और स्पेशल आर्ट म्यूजिक और टेक्निकल स्कूल्स इन ब्रिटेन। चिल्ड्रन जो है वो नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग ही स्टडी करते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, रिलीजियस एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फॉरन लैंग्वेज। यूजुअली फॉरन लैंग्वेज में फ्रेंच या जर्मन सिखाई जाती है। 16 के जब बच्चे हो जाएंगे उस टाइम पे उनको GCSE यानी जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये एग्जाम देना पड़ेगा, और यहां पर जो है अलग अलग लेवल्स भी होते हैं, ओ लेवल या ए लेवल, AS लेवल, सो अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसमें बच्चे अपने हिसाब से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो लेवल ऑफ सर्टिफिकेट उनको चाहिए। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम यहाँ पे माना जाता है। यूजुअली हमारे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन के बाद क्या एग्जाम होता है, मान लो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो IIT JEE का एग्जाम हो गया, ठीक है, या फिर जो नीट वाले बच्चे हो गए उनके लिए हो गया, और अब तो हमारे यहाँ पे भी एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन इन द सेंस जो इन जनरल है वो CUE जो है हमारा सेंट्रल, मतलब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए या कॉलेज में एंटर करने के लिए, सो वो चीजें अब हमारे यहाँ पर भी हैं कि एक कॉमन एंट्रेंस सबके लिए कॉमन हो रहा है, ठीक है, जो इस बार हुआ भी है। सो वही है कि इसीलिए मैं कंपेयर नहीं करना चाह रही, बिकॉज अब हमारे इधर इंडिया में चीजें बदल रही हैं, तो हम एज इट इज समझ नहीं आएगा कि आप पहले वाली चीजों से कंपेयर करें या अब वाली चीजों से, क्योंकि जो बदल रही हैं चीजें वो बढ़िया हो रही हैं। ठीक है, देन जी ब्रिटिश स्कूल्स जो है वो वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काफी करवाई जाती हैं। पीपल्स हैव वन आफ्टरनून अ वीक किसके लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए। वहां पे स्कूल्स में जो है फुटबॉल, नेटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब चीजों की टीम होती हैं, या बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नेशनल करिकुलम का पार्ट नहीं होती। मोस्ट ब्रिटिश सेकेंडरी स्कूल्स उनमें 750 के अराउंड स्टूडेंट्स, 40 टीचर्स, और अमंग यूनिवर्सिटीज जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हैं वो ओल्डेस्ट और फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आपने भी सुना होगा, ऑक्सफोर्ड 12th सेंचुरी में और कैम्ब्रिज 13th सेंचुरी में जो है वो बनी थी या फाउंड की गई थी। टाइप्स ऑफ स्कूल्स की बात करें तो ये इन जनरल चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, कि मान लो कई बार होता है ना कि हमारे हमें अपने एजुकेशन सिस्टम का तो पता होता है कि अच्छा प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, या कई बार मदरसाज या बाकी चीजें हैं, तो वहां पे किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन सिस्टम मैंने, मुझे ऐसे स्पेसिफिकली नहीं मिला, लेकिन मैंने जो वहां पर लोग रहते हैं उन्होंने जो चीजें बताई हुई हैं वो चीजें मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड की हैं, कि देखिए एक स्टेट स्कूल्स होते हैं, स्टेट स्कूल्स ऑब्वियसली जो लोकल अथॉरिटीज हैं या गवर्नमेंट है वो फंडिंग देती है उनकी, उन स्टेट स्कूल्स में एक रहेगा कम्युनिटी स्कूल्स जो कि फंडेड बाय लोकल यूनिवर्सिटी रहेगा, और वो जो नेशनल करिकुलम की स्टेजेस हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर फाउंडेशन स्कूल्स भी होते हैं, फाउंडेशन स्कूल्स लोकल अथॉरिटी फंड करती है, लेकिन यहां पर करिकुलम जो है आप वही फॉलो करें वो जरूरी नहीं है, इनका करिकुलम इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है किसी रिलीजियस ग्रुप से या नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो वो फाउंडेशन स्कूल्स। यहां पे कम्युनिटी स्कूल्स में आप जब करिकुलम फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी रिलीजियस ग्रुप से आप जो है इन्फ्लुएंस नहीं होते। ओके, अकेडमीज, ओके स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, अकेडमीज जो है उनकी अगर हम बात करें या फ्री स्कूल्स की बात करें तो ये फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इनको रन करती हैं, और ज्यादा फ्रीडम यहाँ पे रहेगी कि वो किस तरीके से स्कूल को चलाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही एक जो टेस्ट है 16 साल पे वो होना है ना, तब तक की एजुकेशन आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप वो सर्टिफिकेट गेन कर पाए। ओके, ग्रामर स्कूल्स भी होते हैं यहाँ पे, ये फंडेड कोई भी फंड कर सकता है इनको, मतलब ये लोकल अथॉरिटीज के द्वारा भी फंड किए जा सकते हैं, और आएगा ये, और जो नेशनल ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, या कोई ट्रस्ट, सो कोई भी इनको जो है वो क्या कर सकता है, फंडेड हो सकते हैं किसी के भी थ्रू। बट जो ग्रामर स्कूल्स है वो कंपैरेटिवली जो लोग वहाँ रहते हैं उनके द्वारा ये थोड़े से रेप्यूटेड माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों के लिए, तो बच्चों की कैपेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ एडमिशन मिलता है, इसलिए ग्रामर स्कूल्स को थोड़ा सा ज्यादा रेप्यूटेड माना जाता है कंपैरेटिवली। फिर प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में ऑब्वियसली आपको फीस देनी पड़ती है, ये जितने भी स्टेट स्कूल्स की हम बात करेंगे वहां आपको फीस नहीं देनी पड़ती बिल्कुल भी। ओके, तो वो वहां पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और ऑब्वियसली लंच वहां पे मिलता ही है। देन टेक्निकल, फर्दर बात करें टेक्निकल या फर्दर एजुकेशन की अगर इंग्लैंड में बात करें, सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड फॉर यंग पर्संस, ताकि वो मतलब टेक्निकली आगे और किस चीज में अपनी एक अडल्ट लाइफ के लिए उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना कोई चीजें, सो वो स्किल डेवलपमेंट का काम यहाँ होगा। देन सच स्कूल्स अमंग अदर्स इंक्लूड फिजिकल, प्रैक्टिकल एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। इंक्रीज इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इंक्रीज हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू,
किसमें, कि हमें स्किल्ड मैन पावर जो है वो बनानी है, तो स्किल के लिए वो टेक्निकल और वाली चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। जब कोर्स का एंड होगा, स्टूडेंट्स कुड बी प्रेजेंटेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द सिटी एंड गिल्ड्स ऑफ लंडन इंस्टीट्यूट या फिर और कोई प्रोफेशनल एग्जाम। तो वहां पे फिर जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, यहाँ पे भी आगे आपको फर्दर कोई प्रोफेशनल एग्जाम जो है वो बैठना पड़ेगा उसके लिए। फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स ट्यूशन फी जो है वो यहाँ फ्री होता है, ट्यूशन फीस आपसे नहीं ली जाती। बट जो 16 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनसे ट्यूशन फी ली जाती है, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं वहां पे और अपने लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वो 16 साल से ऊपर का बच्चा वहां पर वर्किंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, टेक्निकल कॉलेजेस और फर्दर एजुकेशन जो है आर रन ऑन बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम बेसिस, ताकि अगर आप काम भी कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया से वहां पर जाते हैं कि या तो साथ साथ पढ़ लेंगे वरना वहां पे काम भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे पार्ट टाइम होगी, इतनी क्लासेस वहां पार्ट टाइम में इतनी क्लासेस नहीं होती कि आप जो है काम ना कर पाए। ठीक है, फुल टाइम में भी कंपैरेटिवली कम क्लासेस होती हैं अगर हम इंडिया की बात करें। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बीएससी लेवल पे या एमएससी लेवल पे भी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह मिला के 9 से 5 का टाइम हो जाता है। ठीक है, बट वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे आपके पास काम करने के लिए टाइम होता है, तो आप अपना अर्निंग जो है वो वहां कर सकते हैं। अगर टीचर एजुकेशन की बात करें तो टीचर एजुकेशन मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो सभी कैटेगरीज में नर्सरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जब भी आप टीचर बनना चाहें तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। 1846 में एक फर्स्ट टीचर्स कॉलेज फॉर ट्रेनिंग किसके लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए वहां पर ओपन किया गया था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1904 के बाद जो है वहां पे जो लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज हैं वो उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं अपने टीचर कॉलेजेस। जैसे लोकल अथॉरिटीज स्कूल रन करती वैसे वो टीचर कॉलेजेस भी रन कर सकती हैं। एज फ्रॉम 1921, देखिए 1921-1904 कब की बात हो रही है, वहां पे ये चीजें वहां तब हो रही हैं जब इंडिया में क्या हो रहा है, आप कंपेयर कीजिए वहां पे। ठीक है, सो हम इसीलिए मैं एजुकेशन सिस्टम को, इन दोनों के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज तब तक तो हम इनकी कॉलोनी थे, हम 1947 में तो आजाद हुए हैं, तब तक तो ये बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, सो वो सारी चीजें अगर हम मद्देनजर रखें तो हमें ऑब्वियसली इनके स्ट्रक्चर का, एजुकेशन सिस्टम का पता होना चाहिए, बट हम कंपेयर करके ये ना बोले कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही खराब है। ओके, फॉर द डिग्री इन एजुकेशन स्टूडेंट्स जो है वो 3 साल लगाएंगे, फोर्थ ईयर जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए उनका फोर्थ ईयर रहेगा, आफ्टर विच एक यूनिवर्सिटी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो आपको दे दिया जाएगा। 1943 की बात करें, सो देखिए 43 या 42 के अराउंड क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था हमारे यहाँ, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने रेकमेंड किया था कि ज्यादा टीचर कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पे फाउंड किए जाने चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास इनएडिक्वेट क्वालिफाइड टीचर है, मतलब टीचर अच्छे से क्वालिफाइड नहीं है, या फिर ये लगा लीजिए कि क्वालिफाइड तो है बट उनको पढ़ाना नहीं आता है वाली सिचुएशन, तो एडिक्वेट नहीं है चीजें, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने रेकमेंड किया था कि और भी ज्यादा टीचर कॉलेजेस ओपन किए जाने चाहिए। 1944 हमारे यहाँ सार्जेंट कमीशन या सार्जेंट प्लान आया था, हम आजाद भी नहीं हुए हैं, वहां पे मीन एयर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेकमेंड किया गया था कि यूनिवर्सिटीज और जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो साथ साथ काम करें, ताकि एक वो दोनों मिलके इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन जो है उसके ऊपर काम कर पाए। फर्दर बात करें, बिफोर द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1944 अगर हम देखें तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सर्टिफिकेटेड जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अनसर्टिफिकेटेड, सप्लीमेंट्री और स्पेशलिस्ट टीचर्स। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो टीचर्स जो है उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होनी जरूरी है, वाइल टीचर्स फॉर द ओल्ड एलिमेंट्री स्कूल्स वो 2 साल उनको 2 ईयर कॉलेज आफ्टर देयर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद 2 साल का कोर्स आप कीजिए, कॉलेज जाइए और आप जो है एलिमेंट्री स्कूल में टीचर लग सकते हैं। द सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स जो है ये प्राइमरी के लिए, एलिमेंट्री के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आपको 1 साल का जो है डिप्लोमा लेने की जरूरत है आपकी ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, दूसरी तरफ टीचर ऑफ इंडिपेंडेंट पब्लिक स्कूल्स जो है वो डिग्री होल्डर होंगे, वो भी चलेंगे अगर आप इंडिपेंडेंट पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल जब तक हम आजाद भी नहीं हुए थे तब तक इनकी एजुकेशन के डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। अडल्ट एजुकेशन इन इंग्लैंड की बात करें, अडल्ट एजुकेशन तो अडल्ट एजुकेशन मतलब जो ड्रॉप आउट्स कर गए हैं, स्कूल छोड़ दिया है किसी वजह से, अब उनको वापस से कैसे उस एजुकेशन वाली स्ट्रीम में लाया जाए, सो अडल्ट एजुकेशन जो है वो यहाँ पे शुरू होते हैं किसमें, इंग्लैंड और वेल्स दोनों जगह पे। कब, किसने शुरू किए, ट्रेस टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट, तो जो फिलेंथ्रोफी करते हैं
उन लोगों ने वहां से ये आइडिया सबसे पहले शुरू होता है और उन्होंने संडे स्कूल्स शुरू किए थे कि अगर आप बाकी टाइम पे काम कर भी रहे हैं तो आप संडे स्कूल में आ सकते हैं अपनी लिटरेसी के लिए। ठीक है, मैनी चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स को इससे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ इस वजह से, मतलब ये प्रोग्राम जो संडे स्कूल्स वाला प्रोग्राम था इनका ये सक्सेसफुल हुआ, तो उस सक्सेस को देखते हुए, इस तरीके के काम की सक्सेस को देखते हुए लंडन मैकेनिक्स इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैकेनिक्स, तो ये जो है वो शुरू होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहां पे, तो 1823 में तो हम पता नहीं कहाँ ही खोए हुए थे, बहुत सारी जो कुरीतियां थी या जो स्टीरियोटाइप्स थे या विडो रीमैरिज से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे कि होगा नहीं होगा, उसके अगेंस्ट थे, वो सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, सो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो है वो इंग्लैंड और वेल्स में भी ओपन हो जाते हैं लंदन के बाद। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि हाँ अडल्ट एजुकेशन को भी काफी बढ़ावा मिला है। उसके बाद वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन जब बन गई, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एस्टेब्लिश थी, एफिलिएटेड थी, सो वो वहां से जो है अडल्ट एजुकेशन इन इंग्लैंड जो है उसने काफी कंट्रीब्यूट किया कि अडल्ट एजुकेशन में और भी ज्यादा बात होने लगी जब वर्कर की एसोसिएशन बन गई, एजुकेशनल एसोसिएशन। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1907 बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंग्लैंड स्टार्टेड टू असिस्ट द यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल क्लासेस, ताकि एक जनरल एनहेंसमेंट कर पाए वो लोग अडल्ट एजुकेशन में। अडल्ट एजुकेशन कमेटी जो है वो सेटअप करने की बात हुई 1921 से पहले ही हो रही है सारी चीजें इनके यहाँ। ठीक है, प्राइमरली द कमेटी वॉज टू असिस्ट इन कोऑर्डिनेशन किसके साथ, ऑफ ऑल द अडल्ट एजुकेशन वॉलंटरी 60 एजेंसीज। ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 1960 में वहां पे बनी, 1970 में टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, किसको, अडल्ट्स को भी और जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको भी। ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वर्कर्स के लिए थी पर्टिकुलरली, ताकि वो वर्किंग कंडीशन को और भी इम्प्रूव कर पाए, बेटर कर पाए। ये जो ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी, यहाँ पर भी कोई ट्यूशन फीस, मतलब वॉज नॉट ट्यूशन फ्री, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस ली जाती थी। ठीक है, तो वो है कि आप 16 साल के बाद कोई भी एजुकेशन, कोई भी चीज हो रही है वहां पे ट्यूशन फीस लगेगी, 16 साल तक आप बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे और वो पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं काम करेंगे साथ साथ और फिर अपनी एजुकेशन कैरी ऑन करेंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें तो हायर एजुकेशन जो इंग्लैंड और वेल्स दोनों ही जगह पे जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1185 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1230 में, यानी 12th और 13th century में ये बन गई। ये दो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड ने फाइंड की थी, बट इस मोनोपोली को तोड़ते हुए लंदन यूनिवर्सिटी जो है वो 1828 में, देखिए कितने दिनों, कितने सालों की या सेंचुरीज की मोनोपोली चल रही है, मतलब 1185 और 1230 और फिर कहाँ पे जाके 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, ये सारी सेंचुरीज छोड़ दीजिए, उसके बाद जाके 1928 में लंदन यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई। ओके, स्कूल फीस आर बीइंग चार्ज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली, विद विच द यूनिवर्सिटीज आर बीइंग फाइनेंस्ड, इन एडिशन टू जो भी फाइनेंशियल एड उनको पब्लिक से मिल रही है उसके अलावा ये ट्यूशन फीस भी चार्ज कर रहे हैं। ईच यूनिवर्सिटी इज ऑटोनमस, वो अपने हिसाब से एग्जामिनेशन, एडमिशन, अवार्ड ऑफ डिग्री, वो सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, ऑटोनमस है। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर स्कूल लेवल की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रहेगा, और वो कौन अपॉइंट करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। द मिनिस्टर जो है उसकी परमानेंट सेक्रेटरीज रहेंगे, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग जो कि हेल्प करेंगे उसको ऑफिशियल ड्यूटीज को कंप्लीट करने के लिए। मिनिस्टर का ही कंट्रोल रहेगा, एज वेल एज मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोर्ड भी रहेगा। ठीक है, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोर्ड, उसके पास पावर रहेगी वो स्कूल्स को ऑर्गेनाइज कर पाए बेटर तरीके से। लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज रहेंगी जो कि इलेक्टेड बॉडीज रहेंगी। ठीक है, वो भी स्कूल, उनके अंदर भी स्कूल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, उनके वो वॉलंटरी स्कूल्स भी अपने अंडर चला सकते हैं, दे एम्प्लॉय टीचर्स और फिर वो जो वॉलंटरी स्कूल्स चला रहे हैं वो टीचर्स को एम्प्लॉय करेंगे वहां और उनकी सैलरीज भी पे करेंगे। हर एक स्कूल के पास पावर है कि वो अपने टेक्स्ट बुक्स जो है बच्चों के लिए क्या यूज करना है क्या नहीं करना है वो सिलेक्ट कर सके। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की तरह हायर एजुकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कंट्रोल के अंडर नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन आ गई सो वहां पे एक ऑफिस ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा जो रेगुलेट करेगा यूनिवर्सिटीज को, और उनका एम यही है कि वो एक बेटर गुड वैल्यू, टीचिंग स्टैंडर्ड, सारी चीजें हाई लेवल की, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी, सारी चीजें जो है वो इंश्योर कर पाए, ये उनका मेजर एम रहेगा। ठीक है जी,
ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फाइनेंसिंग हमने देख ही लिया कि अच्छा स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक, तो वो अलग अलग फाइनेंसेस हम देख चुके हैं। ऑल्दो मनी जो है वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको लेने की कोशिश करेगी जब पार्लियामेंट में नेशनल रेवेन्यू में से वोट किए जाएंगे कि अच्छा इतना परसेंट हम एजुकेशन को दे सकते हैं एंड वी अग्री। ओके, तो वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। सो ये ओवरऑल जो है यूके का एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर था जो हमने देखा। हमारे स्ट्रक्चर में भी हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर अब हम पढ़ रहे हैं। इसको धीरे धीरे लागू करने की कोशिश की जा रही है। सेकेंडरी जो है एजुकेशन ये रहेगी लास्ट वाली, और सीनियर सेकेंडरी वर्ड जो है वो हमारी एनईपी 2020 में यूज नहीं किया गया है। सो मेक श्योर आप एनईपी 2020 की जो 6 क्लासेस हैं वो 2020 की 6 क्लासेस, उसके अलावा जो एनसीएफ हैं जितने भी अब तक कि 2005 का एनसीएफ, उसके साथ साथ 2020-2023 जो दो एनसीएफ आए हैं, एक स्कूल एजुकेशन के लिए और एक जो है हमारा, वैसे तो वो ड्राफ्ट था बट मैंने करवा रखा है, एक स्कूल एजुकेशन के लिए और एक फाउंडेशनल स्टेज के लिए। ये दो चीज़ें जो है आप देखें, आपको बहुत ज़रूरी हैं और इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज एनईपी 2020 करंट टॉपिक है। जब से एनईपी 2020 आई है तब से जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें से उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मेक श्योर आप एनईपी 2020 बहुत बढ़िया तरीके से करके जाएं। ठीक है जी। सो आई होप दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।